नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है आज सुबह के सभी ताजा खबरों की। इस न्यूज बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं, पीएम मोदी आज स्ट्रीट वेंडर्स के साथ करेंगे संवाद। भारत रख रहा है चीन पर पैनी नजर, आज से ब्लू और पिंक लाइन पर भी दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो। ईपीएफओ की अहम बैठक आज, जानिए क्यों बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम। IRCTC में 15% हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है मोदी सरकार, कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार को दिया जवाब। शेयर में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर, लोकप्रिय गेम पबजी एक बार फिर कर सकता है भारत में वापसी। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल घंटी को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया की सभी फायदेमंद खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ संवाद करेंगे। जानकारी के मुताबिक कोरोना दौर के बीच शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में कुल स्वीकृत आवेदनों में से 47% आवेदन मध्य प्रदेश से हैं। DMRC द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली मेट्रो आज से ब्लू लाइन द्वारका सेक्टर 21 से इलेक्ट्रॉनिक सिटी वैशाली और पिंक लाइन मजलिस पार्क से शिव विहार तक सेवाएं शुरू करेगी। गौरतलब है कि पिछले 5 महीने से बंद दिल्ली मेट्रो का संचालन 7 अगस्त से शुरू हुआ है, जिससे दिल्ली वासियों ने राहत की सांस ली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की आज अहम बैठक होने जा रही है, जहां बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि पर वर्ष 2019-20 के लिए 8.5% ब्याज दिए जाने के निर्णय की पुष्टि में विलंब का मामला उठाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज से 1 सप्ताह तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगे। जानकारी के अनुसार वे इस दौरान लगभग 1600 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और 1000 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। वर्षा के इस सीजन में सब्जियों की कीमत सामान्य तौर पर हमेशा बढ़ जाती है, लेकिन एक बार फिर सब्जियों की कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इसका कारण वर्षा के साथ साथ डीजल की कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी होना बताया जा रहा है। कश्मीर घाटी में कोरोना के बढ़ते मामले से चिंतित प्रशासन ने अब घाटी में रैंडम मार्केट टेस्टिंग शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस नए प्रयास के तहत बाजारों, दफ्तरों और मॉल में सरकारी विभाग की टीम पहुंचकर वहां मौजूद लोगों की टेस्टिंग कर रही है, ताकि कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सके। अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 5 युवकों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इसकी पुष्टि की है कि अरुणाचल प्रदेश से लापता 5 युवक उनकी ओर मिले हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि युवकों को हमारी अथॉरिटी को सौंपने का काम किया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने IRCTC में OFC के माध्यम से करीब 15-20% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। बताया जा रहा है कि साथ ही सरकार इस लेनदेन को कम से कम किस्तों में पूरा करना चाहेगी। दुनिया भर में लोकप्रिय मोबाइल गेमिंग ऐप पबजी को बनाने वाली कंपनी पबजी कॉरपोरेशन ने भारत में बैन होने के बाद बड़ा कदम उठाया है। दरअसल पबजी कॉरपोरेशन ने चीन स्थित टेसेंट गेम से भारत के लिए नाता जोड़ने का ऐलान किया है, और पबजी कॉरपोरेशन कंपनी ही भारत में पबजी गेम की जिम्मेदारी संभालेगी। कंपनी के इस कदम से कयास लगाए जा रहे हैं कि पबजी गेम एक बार फिर भारत में वापसी कर सकता है। पाकिस्तान की सरकार ने नेशनल असेंबली और सीनेट का एक नया सत्र क्रमशः 14 और 15 सितंबर को बुलाया है, ताकि स्टाफ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और असामाजिक तत्वों को फंडिंग संबंधी 2 विधेयकों को मंजूरी दी जा सके। गौरतलब है कि हाल ही में सीनेट ने इस बिल को नामंजूर कर दिया था। NIA ने भीमा कोरेगांव मामले के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां एजेंसी ने बताया कि 3 लोग कबीर कला मंच के सदस्य हैं। आपको बता दें कि 3 आरोपियों को पूछताछ के लिए 4 दिन की NIA हिरासत में भेजा गया है। महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच मामला गहराता जा रहा है, जहां इस बीच अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि मैं मुंबई पुलिस और गृह मंत्री अनिल देशमुख को धन्यवाद देती हूं कि मेरा अवांछित पदार्थ का टेस्ट करवाया जाएगा। मैं चाहती हूं कि टेस्ट हो और मेरे कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए जाएं, और अगर मैं गलत पाई गई तो हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल ने जानकारी दी है कि भारत रूस में विकसित की गई वैक्सीन को लेकर आशान्वित है। उन्होंने ये बताया कि रूस ने इस वैक्सीन को लेकर भारत की सरकार से संपर्क किया है और 2 स्तर पर इसमें मदद की मांग की है।
SEBI ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निवेशकों के EKYC आधारित पंजीकरण की मंजूरी दे दी है। SEBI ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड इस संबंध में निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए UIDAI के आधार प्रमाणीकरण सेवा का काम करेगा। शिवसेना नेता संजय राउत को पार्टी ने मुख्य प्रवक्ता बना दिया है। जहां शिवसेना का मुख्य प्रवक्ता बनने के बाद संजय राउत प्रवक्ताओं की एक टीम का नेतृत्व करेंगे, जिसमें लोकसभा सांसद अरविंद सावंत, धैर्यशील माने और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी शामिल है। ICMAI ने 2020 सत्र के लिए CMA इंटरमीडिएट और CMA फाइनल ईयर परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक ये परीक्षाएं 10 सितंबर से 17 सितंबर के बीच आयोजित की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आजकल काफी तेजी देखी जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े मामले में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि कर्म से भाग तय होता है। आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस की मांग शुरू से ही करती रही है। हरियाणा में स्थापित 1000 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूलों में इस सत्र से अंग्रेजी माध्यम शुरू नहीं होगा, लेकिन 2020-21 शैक्षणिक सत्र में इन स्कूलों में पहली व दूसरी कक्षा से अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की दाखिला फीस ₹500 व मासिक फीस ₹200 लगेगी। बिहार NDA में CM नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच तल्खी के बीच अब महागठबंधन में भी हलचल मच गई है। दरअसल अलायंस की महत्वपूर्ण घटक विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने डिप्टी CM पद का दावा किया और कहा कि हमारी पार्टी का 15% वोट बैंक है, जिसके साथ रहेंगे उसकी सरकार बनेगी। इस नाते गठबंधन में अति पिछड़ा को डिप्टी CM बनाया जाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया है कि भाजपा में कई नेता और कार्यकर्ता परेशान हैं और वे सभी कांग्रेस में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि आज सतीश सिकरवार कांग्रेस में शामिल हुए, कल और भी भाजपा के त्रस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर पर्सनल असिस्टेंट परीक्षा 2020 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इस परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट sci.gov.in पर चेक कर सकते हैं। कांग्रेस विधायकों और मेडिकल विशेषज्ञों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शहरी क्षेत्रों में कुछ नई छूट देने का ऐलान किया है। इनमें शनिवार को गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानों को खोलना और सोमवार से शनिवार तक रात 9 बजे तक सभी दुकानों को खोलने की छूट देना शामिल है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में चुनाव हलचल और चरम पर है। इस बीच JDU के महासचिव KC त्यागी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी जो भी निर्णय लेना चाहती है वह उसे लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ऑनलाइन e-फाइलिंग सेवा लॉन्च की है और कहा है कि पिछले 5 सालों में दिल्ली सरकार की तरफ से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में उठाए गए कदमों की चर्चा पूरे देश और दुनिया में हुई और अब ऑनलाइन e-फाइलिंग सिस्टम भी मील का पत्थर साबित होगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला से हमारे संवाददाता महेंद्र वर्मा बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग पर लगे घोटाले के आरोपों, बिजली पानी की बढ़ाई गई दरों, बस किराया वृद्धि, कोरोना के मामले में वृद्धि, बाहरी लोगों को हिमाचल में दी गई नौकरियों को लेकर विधानसभा का घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के महोबा से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार बता रहे हैं कि महोबा जिला में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी द्वारा किसानों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ब्रजेश पाठक द्वारा सौंपा गया और किसानों के समस्या के जल्द समाधान की मांग की गई। हिमाचल प्रदेश के सोलन से हमारे संवाददाता महेंद्र वर्मा बता रहे हैं कि सोलन में बनाए जा रहे भाजपा कार्यालय के लिए जमीन खरीद के दौरान हुए घोटाले की गठित जांच कमेटी ने जांच पूरी कर ली है, जहां रिपोर्ट को 1 सप्ताह के भीतर पार्टी के आलाकमान को सौंपा जाएगा। बिहार के पटना से हमारे संवाददाता अंबुज कुमार बता रहे हैं कि अभिनेता सुशांत सिंह मामले में हुई रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी से खुश या नाखुश होने का मेरा कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि सच कब सामने आएगा। दिल्ली से हमारे संवाददाता आशीष कुमार बता रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, जो कि चिंता की बात है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने एक आदेश में कहा कि अब कोई भी COVID-19 का टेस्ट करा सकता है और इसके लिए डॉक्टर या पर्चा जरूरी नहीं है, यानी कि अब लोग बिना डॉक्टर के पर्चे के स्वेच्छा से भी COVID-19 की RT-PCR जाँच करा सकते हैं।
तो ये थी आज सुबह की सभी ताजा खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि देश और दुनिया की तमाम फायदेमंद खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।